अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एला न्यूज 24x7। साहस सच दिखाने की रॉबिन के साथ इस वक्त नंद भवन गोकुल मंदिर में है। आइए जानना चाहेंगे लोगों से, यहाँ पे जो कई लोग बाबा जी हैं, जो पंडित जी हैं, यहाँ पे इन लोगों से बातचीत करते हैं। के स्वास्थ्य मंत्री बिहार के आते रहते हैं, वो वृंदावन इस्कॉन में आते हैं। यहाँ तो खाली 2-5 मिनट के लिए आए और अपना दर्शन किया और चले जाते हैं। बाकी यहाँ के लिए कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्रोसीजर हो या कोई सुख सुविधा दे दिया हो, ऐसा कोई व्यवस्था यहाँ नहीं करते पाते। उनका भी कहना यहाँ के, उनका कहना यह है कि यहाँ के सरकार जो है हमारा मतलब ख़ास तौर पे यहाँ के लिए कुछ करे और विशेष रूप पे ध्यान दे। नहीं, यहाँ वैसे यूपी में योगी का गवर्नमेंट है, योगी जी गायों के लिए, मंदिरों के लिए सभी उस समय पर बहुत व्यवस्था किए हैं। पहले जो नहीं होता था वो व्यवस्था अब योगी जी सब पूरा ब्रजमंडल में करते हैं, गायों के लिए, ब्रजवासियों के लिए, ब्रज विकास ट्रस्ट के लिए घाट बनाया है, ब्रह्मांड घाट है। यहाँ पर करीब 10-15 करोड़ की लागत से घाट बन रहा है, यात्रियों के लिए सुविधा, आने जाने वालों के लिए सुविधा, ये सब योगी जी अपना सरकार द्वारा करा रहे हैं और उनसे बहुत यहाँ जनता खुश है। क्या कहेंगे कुछ तेज प्रताप जी के बारे में जो आते हैं यहाँ? तेज प्रताप जी के लिए हम यही कहेंगे कि तेज प्रताप जी आते रहें, कुछ ब्रज में आएं, दर्शन करें और ठाकुर जी उनको ऐसा सद्बुद्धि दे कि वो भी बढ़िया काम करें बिहार में, जो जनता दोबारा से उनके साथ एकजुट हो, यही कहना चाहेंगे हम तेज प्रताप जी के लिए।